और आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कुछ कहना है ईवीएम को लेकर आपको सुनाते हैं। के लिए तो आपको वैसे ही मान लेना चाहिए। तीसरा पक्ष अगर आप पहले गणना करें न कि अंत में, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, विलंब नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंगल सोल लॉजिस्टिकल कारण नहीं है कि आप न करें। चौथा, यद्यपि आप हमको कारण देते नहीं है, कभी कारण नहीं देते, ये भी नहीं बताते हैं कि डिसेंट है कि नहीं है, असहमति है कि नहीं है, लेकिन कल वार्तालाप के दौरान शायद ये उभर के आया कि आप एक 56D रूल का इस्तेमाल करेंगे। लिखा नहीं है कहीं, बताया नहीं है। अब ये बड़ा स्पष्ट है कि ये ब्लंडर है, क्योंकि 56B ऑटो सैंपल चेक पे अप्लाई नहीं करता है। 56D आपको पता है दो तरह के चेक होते हैं, एक होता है जबकि जो उम्मीदवार होता है वो कहता है कि गलत है, मैं चुनौती देता हूँ, मेरे कहने पे आप चेक करो, वो एक अलग चेक होता है, वो है 56D। जो बाध्य ऑटोमेटिक सैंपल चेक है वो 56D उस पर लागू नहीं होता है। तो किस आधार पे आपने निरस्त किया ये? और अंतिम मुद्दा, ईवीएम के मैनुअल हमारे पास है, इसकी प्रतिलिपि हमारे ऑफिस दे देगा आपको, उसमें भी लिखा है कि 56D वाला चेक जो अंत में होता है वो और सैंपल चेक दो अलग अलग चीजें। आई रीड इट टू यू, VVPAT slips have been counted due to either non-display of result from control unit or under rule 56D of the conduct of election rules or whatsoever the reason, quote, shall not be included in the draw of lots for mandatory verification of VVPAT slips. Yani mandatory verification, anivarya sample check, jisse aap baadhya hain Uchchatam Nyayalaya ke antargat, वो इस 56D वाले कैटेगरी में काउंट ही नहीं होता है। तो मैं वापस अपने पहले सरल बिंदु पे आ जाता हूँ, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इसका कारण है कि चुनाव आचार संहिता अब बन गई है मोदी प्रचार संहिता? क्या इसका कारण है, हम ईवीएम्स की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ईवीएम से ताल्लुक रखता है ये, क्या ईवीएम्स की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आप कुछ काम नहीं करेंगे और ईवीएम्स को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन्स बना देंगे बीजेपी के लिए? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन, उसकी विश्वसनीयता पे सैंपल चेक नहीं होगा? क्या इसका कारण ये है कि चुनाव आयोग के जो दो अक्षर हैं अंग्रेजी में EC इलेक्शन कमीशन, उसका सही मतलब है एनफीबल्ड कमीशन, कमजोर कमीशन, कमजोर आयोग? क्या इसका मतलब है ईसी का इरेडिकेटेड क्रेडिबिलिटी, एलिमिनेटेड क्रेडिबिलिटी? क्या कारण है हम जानना चाहते हैं। मतलब इस पहली वाली चीज को मना करने का तो कोई औचित्य नहीं मिल रहा हमको। आपको सिर्फ अंत से शुरू में काउंट करना है। 23 पार्टीज मांग रही हैं, 75% लोकमत है, लॉजिस्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान किसी को नहीं है, विलंब नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है। 56D का बहाना आप नहीं उठा सकते। आपका मैनुअल कहता है कि ऑटो चेक अलग है। 10 कारण दे दिए मैंने आपको, आपने एक कारण नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि मोदी प्रचार संहिता काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन्स कारगर हो रही हैं, एनफीबल्ड कमीशन EC बन गया है और इरेडिकेटेड क्रेडिबिलिटी उस आयोग में आ गई है। दूसरा पहलू जिसको हम लेके कल गए थे, अगर आपको उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत बाध्य जो मुद्दा है उसके अंतर्गत आपको 5 सैंपल चेक्स में 4-3-2 डिस्क्रिपेंसी मिल गई, समझ लीजिए ये असेंबली सेगमेंट है, इस असेंबली सेगमेंट में इस सैंपल चेक में आपको 5 मशीनों में, 4 मशीनों में, 3 मशीनों में, 2 मशीनों में डिस्क्रिपेंसी मिल गई, तो
तो हमने दूसरा मुद्दा उठाया कल कि फिर क्या, व्हाट विल हैपन देन, अगला कदम क्या होगा। अब जाहिर है कि अगर मैं इस गिलास से पानी निकाल के इस कटोरी में डालता हूँ और उस कटोरी को सैंपल चेक करता हूँ, सैंपल चेक तो कटोरी का ही होगा ना, क्योंकि ये गिलास तो बहुत बड़ी है, इस गिलास को पूरा चेक नहीं करने का समय है, इसलिए तो मैं सैंपल चेक करता हूँ 5 आइटम का इस कटोरी में डाल के। तो अगर इस कटोरी में विष पाया मैंने सैंपल चेक में, तो दो ही तरीके हैं, या तो पूरी गिलास को काउंट करो, पूरी गिलास है 100% गणना VVPAT, और या पानी फेंक दो, यानी रिपोल। तो हमने तो रिपोल से कम मांगा, हमने तो कहा कि आप सिर्फ अगर आपको आपके खुद के सैंपल चेक में, टू द कमीशन यस्टरडे, इलेक्शन कमीशन यस्टरडे, द ईसी, रिमेंबर 23 पार्टीज रिप्रेजेंटिंग बिटवीन 70-75% ऑफ इंडियाज इलेक्टोरेट वर रिप्रेजेंटेड। द फर्स्ट इशू इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड इट इज स्टिल ए कंप्लीट मिस्ट्री एज टू व्हाई दैट हैज बीन रिजेक्टेड। एज यू नो वी नेवर गेट रीजंस, एज आई स्पीक वी डोंट हैव रीजंस, बट वी नो फ्रॉम योर क्रेडिबल सोर्सेज दैट इट हैज बीन रिजेक्टेड। I want to ask through you, what on earth can be a possible, forget probable, possible ground for rejection of this most reasonable demand? What is the demand? You are mandatorily obliged to count 5 VVPAT along with matching with the EVMs in each assembly segment / constituency. This is not my rule, this is not your rule, it is the Supreme Court's rule. You must mandatorily check for discrepancy 5 such machines in one assembly segment. Now, we said that this checking by lottery should happen at the beginning of counting, just when you are about to start counting tomorrow, 23rd, not at the end of counting. I don't think it requires rocket science or logic to understand why. The idea is to sample check at the beginning whether the sample which you are checking is poisoned or not. Logically, it should be done in the beginning. How can it be done after 5, 7, 10, 12, 14 rounds are done, which show in one case you are leading, one case I am leading, third case he is leading, fourth round he is leading, when all the results are informally known through the counting agents and election agents? You are then going to do a sample check. What is the purpose of it? So, the sample check is supposed to have a real purpose, a real reason. Secondly, there is no logistical infirmity or problem in doing it at the beginning. There is no additional delay of 1 minute even, whether you do beginning or end. There is no logistical impossibility. We told, I had the privilege of arguing for all the 22 parties, I told the commission that let us assume you disagree with us. Even then, in case the confidence building measure is wanted by 75% of India's electorate,